तो इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे एक ब्लैक बैकग्राउंड हम लोग इस तरह से ऐड कर लेंगे और यहाँ पे अपने फुटेज को इस तरह से इंपोर्ट कर लेंगे, ये देखिए, और इसको हम लोग रिसाइज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फुल स्क्रीन मोड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फुल स्क्रीन मोड यूज़ करने से हम लोग इसको बाद में एनिमेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अभी सबसे पहला काम है कि हम लोग यहाँ पे अपना म्यूजिक सेलेक्ट कर लें। मैंने ऑलरेडी अपना म्यूजिक यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ था। ओके, तो इस म्यूजिक को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जो अनवांटेड पोर्शन है उसको ट्रिम करके हटा देता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग एनिमेशन के लिए अपना फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने फ्रेम सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं एक बुकमार्क क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो बुकमार्क क्रिएट करने के लिए आप सिंपली प्लेहेड में इस तरह से प्रेस करें और देखेंगे कि यहाँ पे इसका कलर जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो गया, मतलब कि आपका बुकमार्क यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको कैप्चर एंड सेव कर लूँगा। तो अभी मैं फुटेज का जो अनवांटेड पोर्शन है एंड जो म्यूजिक का अनवांटेड पोर्शन है उसको ट्रिम करके हटा दूंगा। ओके, तो अभी आप अपना ब्राउजर ओपन कर लें और यहाँ पे remove.bg रिमूव बैकग्राउंड है तो इसको आप ओपन कर लें और यहाँ पे अपने जो सेव किया हुआ इमेज है उसको अपलोड कर लें। ओके, और देखेंगे यहाँ पे सिंपली जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, अदरवाइज आप कुछ ऐप भी यूज कर सकते हैं और ऐप यूज करके अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। और अभी इमेज को आप डाउनलोड कर लें। ओके, तो फिर से हम अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ से मैं इस तरह से अपने बुकमार्क में चला जाऊंगा और यहाँ पे मैं अभी सेव किया हुआ इमेज को इस तरह से इम्पोर्ट कर लूंगा। ये देखिए इम्पोर्ट हो चुकी है और फिर से मैं यहाँ पे स्केल प्रॉपर्टी का यूज करके इसको इस तरह से बिल्कुल अलाइन कर लूंगा। ओके, यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड आपको यूज नहीं करना है, नहीं तो बाद में आप इमेज को एनिमेट नहीं कर पाएंगे। ओके, अभी हम इमेज के पीछे की जो वीडियो है उसको इस तरह से कट करेंगे और इस तरह से हम इसको अलाइन कर लेंगे ताकि एनिमेशन के बाद वीडियो स्मूथली प्ले हो। तो ये हमारी टाइमलाइन क्रिएट हो चुकी है। और अभी हमें यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड करना होगा। ओके, तो सबसे पहले एक बैकग्राउंड इमेज हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस तरह से मैं उसको रिसाइज कर लूंगा। ओके, एंड इमेज को मैं सेंड टू बैकवर्ड कर लूंगा ताकि मेरा जो कैरेक्टर है वो सामने आ जाए। एंड कैरेक्टर इमेज को पॉप आउट करने के लिए मैं बैकग्राउंड इमेज का जो ओपेसिटी है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दूंगा। देखिए हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फायर का कुछ PNGs ऐड करेंगे जिसको मैंने डाउनलोड करके रखा था। फ्रीली उसको इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इस फायर PNG को मैं डुप्लीकेट कर लूंगा और मैं रोटेशन एंड स्केल प्रॉपर्टी का यूज करके इसको इस तरह से प्लेस कर दूंगा ताकि दोनों दिखने में अलग दिखे। उसके बाद मैं यहाँ पे स्मोक का एक वीडियो इस तरह से ऐड कर लूंगा, ब्लैक वीडियो। ये भी आपको नेट पे फ्रीली मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब में भी मिल जाएगा और आपको गूगल में भी सर्च करने से मिल जाएगा। और जो अनवांटेड पोर्शन है उसको मैं इस तरह से ट्रिम करके हटा दूंगा और यहाँ पे आपको जाना है ब्लेंडिंग मोड्स पे और वहां पे आपको स्क्रीन सिलेक्ट करना है ताकि ये जो स्मोक का जो वीडियो है वो आपके एनिमेशन के साथ बिल्कुल ब्लेंड हो जाए। आप चाहे तो यहाँ पे ओपेसिटी को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए तो सारे एलिमेंट्स अभी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो अभी हर एक एलिमेंट्स को हमें एनिमेट करना होगा म्यूजिक के बीट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग जो कैरेक्टर इमेज है उसको एनिमेट करेंगे। तो इसके लिए मैं बीट के हिसाब से यहाँ पे इस तरह से एनिमेशन कर लूंगा। ये देखिए, तो फर्स्ट बीट है उसमें मैं इसको थोड़ा सा जूम का इफेक्ट देना चाहता हूँ तो इस तरह से उसको एनिमेट करूंगा। और यहाँ पे मैं सिंपली जो स्केल एंड जो रोटेशन प्रॉपर्टी है उसको यूज करूंगा
और पूरे टाइमलाइन में मैं इस तरह से इसको एडिट कर लूँगा ताकि पूरे एनिमेशन के टाइम ये जो कैरेक्टर है वो थोड़ा थोड़ा मूव करते रहें और तब आपको देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो लास्ट की फ्रेम होगा उसमें आपको वापस से इस कैरेक्टर को जो इनिशियल पोजिशन है उसमें लाना है ताकि उसके बाद जो वीडियो प्ले होगा वो सीमलेस दिखाई देगा, अदरवाइज यहाँ पे एक जंप दिखाई देगा आपको, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद हम लोग इस इमेज का जो की फ्रेम है उसका रेफरेंस लेके जो फायर का PNG है उसको भी इस तरह से एनिमेट कर लेंगे, देखिए, ताकि दोनों एनिमेशन जो है वो बीट के साथ बिल्कुल सिंक हो और देखने में बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे जो फायर है उसको मैं बाहर की तरफ से इस तरह से स्लाइड करके इफेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इस तरह से मैं उसको एनिमेट करूंगा और इस फायर को मैं पूरे ड्यूरेशन में इस तरह से थोड़ा थोड़ा एनिमेट कर लूंगा। रोटेशन एंड स्केल प्रॉपर्टी को थोड़ा थोड़ा मैं चेंज करूंगा ताकि ये भी देखने में डायनेमिक दिखे बिल्कुल। और अभी इस फायर का जो एनिमेशन है उसका की फ्रेम का रेफरेंस लेके दूसरे फायर का जो PNG है उसको भी मैं इस तरह से एनिमेट करूंगा। तो इसको भी मैं बिल्कुल फुल ड्यूरेशन के लिए इस तरह से एनिमेट कर लूंगा। तो इन दोनों एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए मैं यहाँ पे फेड इन का ऑप्शन का यूज करूंगा, देखिए, और इसका ड्यूरेशन मैं कम कर देता हूँ, देखिए, तब ये देखने में बहुत ही सीमलेस दिखाई देगा। ओके, और लास्टली हम लोग बैकग्राउंड जो इमेज है उसको भी थोड़ा सा एनिमेट कर लेते हैं उसके स्केल प्रॉपर्टी को, ताकि एनिमेशन के टाइम ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो भी थोड़ा सा मूव करते रहेगा एंड डायनेमिक दिखेगा। तो अभी तक कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे दोनों जो फायर PNG है उसके ब्लेंडिंग मोड्स को हम चेंज कर देंगे, स्क्रीन में लेके जाएंगे, और अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा ओपेसिटी प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हो ताकि दोनों जो फायर PNG है वो बिल्कुल ब्लेंडेड हो और देखने में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो अभी हम अपने टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, देखिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप अपना पसंदीदा कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं अभी के लिए ये फॉन्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट के कुछ प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करूँगा, कलर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आउटलाइन को ऑन कर लूँगा और यहाँ पे आप थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लें अपने नीड के हिसाब से। एंड उसी तरह से मैं शेडोज एंड ग्लो प्रॉपर्टी को भी चेंज कर लूँगा। ओके, यहाँ पे मैं ग्लो का कलर येलो रख रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में जो फायर के PNG हैं उसके साथ ये ज़्यादा मैच करेगा। ओके, टैक्स यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह से मैच नहीं हो रहा है तो इसलिए मैं टैक्स को चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा ड्रामेटिक इफेक्ट देना है मुझे, तो मैं ये वाला टैक्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, देखिए ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, और अभी मैं टैक्स को अच्छी तरह से पोजिशन कर लूँगा और बीट पे मैं इस टैक्स को एनिमेट करूँगा। ओके, तो मैं इसको एक पॉप इन इफेक्ट देना चाहता हूँ तो इसलिए इस तरह से की फ्रेम ऐड करूँगा और मैं इसके स्केल को बहुत बड़ा कर दूँगा। ओके, ताकि ये बीट पे बिल्कुल पॉप इन होते हुए दिखाई दे। ओके, और यहाँ पे मैं जो इन एनिमेशन है उसको फेड कर देता हूँ ताकि टैक्स बिल्कुल ब्लेंड हो जाए और देखें और ये एनिमेशन काफ़ी स्मूथ दिखेगा। और यहाँ पे जो दूसरा बीट है उसमें मैं अपना सेकंड टेक्स्ट को ऐड करूंगा मशीन, और इसका भी मैं फॉन्ट सिलेक्ट कर लूंगा और पिछली टेक्स्ट की ही तरह इसको मॉडिफाई करूंगा। कलर आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा रेड कलर को प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बैकग्राउंड का जो कलर है उसके साथ मैच कराना है। ओके, एंड यहाँ पे भी मैं आउटलाइन शेडो एंड ग्लो इफेक्ट को ऑन कर लूंगा और अपने जरूरत के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लूंगा। ओके, और इस टेक्स्ट को मैं स्लाइड इन का इफेक्ट दूंगा, स्क्रीन के राइट साइड से स्लाइड होके ये आएगा। ओके, तो इस तरह का मैं एनिमेशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे की फ्रेम ऐड करूंगा, तो देखिए कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो गया है। और दोनों टेक्स्ट के जो लेयर हैं उसको हम लोग पूरे ड्यूरेशन के लिए थोड़ा सा
की फ्रेम ऐड करके इस तरह से थोड़ा सा उसका स्केल एंड जो पोजीशन है उसको चेंज करेंगे ताकि जो टैक्स है वो डायनेमिक दिखे और वो मूव करता रहे जब ये एनिमेशन चलता रहेगा, अदरवाइज टैक्स स्टैटिक दिखाई देने से ये इतना अच्छा नहीं दिखाई देगा। ओके तो ये देखिए हमारा एनिमेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करेंगे और थोड़ा सा कलर को मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा मूडी कलर हम लोग यहाँ पे देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे विनियट इफेक्ट को इस तरह से ऐड कर लूंगा और इसको मैं पूरे प्रोजेक्ट में इस तरह से एक्सटेंड कर लूंगा और इसके जो ओपेसिटी है उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूंगा अपनी जरूरत के हिसाब से। ये ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है तो इसको थोड़ा सा मैं लाइट कर दूंगा। नेक्स्ट मैं जो फुटेज का कलर है उसको चेंज करूंगा, तो इसके लिए आप कलर में जाएं और उसके अंदर बेसिक और ये वाला जो कलर है वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। और अभी मैं इस वीडियो में जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा फेड इन करूंगा और उसी तरह से जब एंड होगा उसमें मैं फेड आउट करूंगा ताकि ये देखने में बहुत स्मूथ और ड्रामेटिक दिखाई दे। तो ये देखिए हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे मैं फाइनली यहाँ पे सिनेमेटिक जो बार्स हैं उसको ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप इफेक्ट्स में जाके इस तरह से सिनेमेटिक बार यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने और ये मेरा एनिमेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको सीख पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इसी तरह का नए नए ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।